फिल्म में स्थान मूवी में, लेकिन आपको पता होगा कि पायरेसी करना बहुत बड़ा जुर्म है। जी जी बिल्कुल। और जैसे मतलब करते तो सभी करते तो सभी हैं, मना तो बहुत कुछ है पर करते तो सभी हैं। वे क्योंकि फिक्शन है, फिल्म फिक्शन है और जो मेरा करेक्टर है वो फिक्शनल करेक्टर उसको करता है तो ठीक है, बट पर्सनली मैं उसके खिलाफ हूँ और मुझे लगता है कि फिल्में बड़ी मेहनत से बनाते हैं और उसके पीछे पता नहीं कि हर आदमी की एक बहुत ज़िंदगी भर की एक जर्नी होती है, पूरी मेहनत होती है, तो उसको वो बड़े पर्दे के लिए बनाता है, उसको अगर टीवी या डीवीडी पे देखना तो वो तो सीरियल बना देते हो। तो जब मुझे लगता है जब वो इतनी ईमानदारी और मेहनत से फिल्में बड़े पर्दे के लिए बनाते हैं तो मुझे लगता है ऑडियंस को भी बड़े पर्दे पे ही देखनी चाहिए। पर्सनली मैं पायरेसी के नितिन जी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं देख रहा हूँ बॉलीवुड के जितने भी गाने हैं, जितने भी सुपरहिट डायलॉग है, वो शायद आपने इस फिल्म स्थान में डाल दिए हैं, राइट? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ, सब तो नहीं लेकिन कुछ, ढाई किलो का हार, तो इसमें से इनमें से इन इन लोगों ने कौन कौन से किया कुछ मुझे मालूम पड़ेगा, तारीफ आप कुछ बताएंगे जी? आपका कौन कौन सा डायलॉग है इस फिल्म में? काफी सारे, मतलब आपने अगर ट्रेलर ही देखा होगा तो उसमें आज होश तो बहुत हो गए तुम, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास गए आए, मेरे पास माँ है और चल जुटे तेरे पास तो अब्बा है। तो ऐसे बहुत सारे और फिल्मी डायलॉग्स हमने यूज किए, उनमें से ये दो हैं। नितिन जी, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली, ना तो यहाँ पे कोई बच्चा है और ना ही कोई माँ है जी, तो कोई पर्टिकुलर रीजन ये सवाल है? क्यों है फिर? जब बच्चा भी नहीं है माँ तो सवाल ही है, कबूतर कबूतर बाप कहाँ से है? कोई नहीं है, फीमेल एक्टर कोई नहीं है जी, ना ही कोई फीमेल एक्टर है और ना ही कोई बच्चा है इस फिल्म में जी। और हमने डायलॉग बच्चे जरूर है, पोस्टर है। मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ सर, एक बार सवाल पूछिए। सवाल ये है कि डायलॉग है फिल्म का, पोस्टर में भी दिख रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली जी। ये फिल्म में डायलॉग नहीं है, ये पोस्टर में इस्तेमाल किया गया। फिल्म में शायद कोई हीरोइन नहीं है, फीमेल हीरोइन नहीं है, कोई खास रीजन? फिल्म में हीरोइन ना होने का रीजन पूछ रहे हैं आपसे। फिल्म में जब हम जब स्टोरी लिखी जा रही थी सर इसकी, इसमें दो चीज़ें थी जिसको जिसके ऊपर फोकस था, एक तो इंडो पाक रिलेशनशिप जो था और एक जो था वो बॉलीवुड की दीवानगी या एक ट्रिब्यूट जो था हमारा बॉलीवुड को। मेरा ऐसा मानना था कि अगर मैं एक और ट्रैक इसका ओपन करता हूँ जो एक लव स्टोरी का ट्रैक है तो मैं कहीं ना कहीं इन दोनों को जस्टिफाई शायद नहीं कर पाऊँ, तो इन दोनों को जस्टिफाई करना या इन पे फोकस रहना मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन गेटिंग इनटू, बिकॉज दिस इज़ व्हाट माय मेन स्टोरी वाज। और जहाँ तक मैंने पढ़ा कि काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिल रहे, अमित जी ने ट्वीट किया और विद्या बालन मैंने देखा था, वीडियो आया था मेरे ऑफिसर ने देखा कि वो आके काफ़ी अप्रिसिएट कर रही थी मूवी को, तो फिल्म तो अभी आई नहीं इतनी अच्छी रिस्पांस मिल रही, तो क्या कुछ फीलिंग होती है जब इस तरह से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तीनों से जानना चाहिए जी। जी बच्चन साहब के बारे में कुछ भी कहना हमारी औकात नहीं है, बट सिर्फ सर झुका के थैंक यू बोल सकते हैं कि वो अगर उन्होंने उनको ट्रेलर पसंद आया, उन्होंने ट्वीट किया, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। जहाँ तक दूसरे स्टार्स हैं जिन्होंने देखी, जैसे विद्या जी ने देखी है, इट्स ये फिल्में, ये मेरे ख्याल से जिस जो भी इस फिल्म दुनिया का हिस्सा है उसको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी, ऐसा मुझे मानना है। क्योंकि हम कहते हैं जो फिल्मों से करे प्यार वो फिल्मिस्तान से कैसे करे इनका, तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ बट बहुत ही ज़्यादा हम्बल्ड हूँ, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली मैं बहुत थैंक यू दिल से बोलता हूँ। और ऐसे ही कुछ गाने भी बनाए हैं आप लोगों ने इस फिल्मों में? नहीं, ये फिल्म में गाने नहीं है, फिल्म में गाने हैं लेकिन वो अरिजीत दत्ता ने म्यूजिक किया है उसका, और वो पांच गाने मेरे ख्याल से जो आप बात कर रहे हैं वो वाली गाने नहीं है, आरतियों की बात, आप आरतियों की बात, वो सब प्रमोशन का हिस्सा है, तो हमने आरती के लिए कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे भाजी, आरती दर्शकों को सुनाना चाहेंगे अभी हम बिग बी जी को थैंक यू बोलने के लिए एक आरती उनके लिए गा दूंगा, क्योंकि आप बिग बी और आप मैं सुर और ताल में दूसरी दुनिया से आया हूँ, तो ताली भी आरती सब यही करेंगे, मैं शारिक को पीछे से सपोर्ट कर दूंगा, मोरल सपोर्ट। जय हो जय हो जय हो बिग बी जी, ओ जी जय हो बिग बी जी, आपके करोड़ों फैंस करोड़पति जी, जय हो बिग बी जी, रिश्ते में आप सबके बाप लगते हैं, अजी बाप लगते हैं, आप जहाँ खड़े हो लाइन शुरू हो वही जी, जय हो बिग बी जी, जय सिनेमा, जय सिनेमा। और कोई फीमेल एक्टर के लिए भी कुछ बनाया आप लोगों ने, कोई आरती ऐसी जी? कटरीना कैफ जी, सीधे सीधे बोलो ना, वही चाहिए यार, भगवान की क्यों बात कर रहे हो यार, दिल से पूछो, दिल से जवाब देंगे, वो फीमेल एक्टर की कोई आरती?
जय जय हो कटरीना, ताली तो बजानी पड़ेगी। जय हो कटरीना, इनकी जवानी देख के, इनकी जवानी देख के आ जाए पसीना। ओ जी जय हो कटरीना। थैंक यू जी। गाना तो काफी अच्छा था। और नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इंडो पाक रिलेशन पे पहले भी काफी फिल्में बन चुकी हैं, तो ये फिल्म किस तरह से अलग होगी उनसे? मुझे नहीं पता, मतलब हमारा सिर्फ पर्सपेक्टिव जो है वो जो फिल्मों का एक दीवानगी है, मेरे ख्याल से इस बात को कभी एक्सप्लोर किया नहीं गया है कि दोनों तरफ दोनों मुल्कों में बॉलीवुड को लेकर बहुत प्यार है। मेरे ख्याल से इस बात को कभी पर्दे पर नहीं दिखाया गया है। और इसमें एक बहुत बहुत खास बात जो ये है वो ये कि सिनेमा की जो स्ट्रेंथ है, दैट सिनेमा कैन कैन यूनाइट पीपल, इट कैन डिसॉल्व बॉर्डर्स, दैट इज समथिंग विच यू विल सी इन द फिल्म। आई थिंक दैट इज द That would be maybe different, yeah. That's what I think. आपने डायलॉग तो काफी यूज किए, और जो है पोस्टर में दिख रहा है कि मतलब टॉप खान्स के फोटोज है, तो क्या उनकी कोई झलक भी दिखने मिलेगी हमें फिल्मिस्तान में? ये राज की बात है जो पर्दे पे खुलेगी। ओके, चलेगा सर। लास्टली हम आपको जाते जाते दर्शकों के लिए अगर कुछ कहना चाहें आप लोग की फिल्म आए। जी हम लोग, मैं ये हम तीनों हैं जो अलग अलग बोलेंगे, तो मैं हाँ अपने अपने अंदाज में बोलेंगे। मैं डायरेक्टर हूँ तो बड़े दिल से सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग आएँ और फिल्मिस्तान देखें, क्योंकि मेरा मानना है जो फिल्मों से करे प्यार वो फिल्मिस्तान से कैसे करे इनकार। 6 जून फिल्मिस्तान कमिंग सून। आपको 2.5 किलो के हाथ से कुछ नहीं, 2.5 किलो नहीं बताए, मैं 2.5 किलो के हाथ ऊपर उठा के ऐसे बोलूंगा। अरे छंद पकैया, छंद पकैया, छंद के ऊपर भोग। 6 जून को फिल्मिस्तान देखेंगे वी पीपल, यानी के हम लोग। अहो अहो अहो, बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आया पान। बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आया पान, और 6 जून को सारे मिलके देखो फिल्मिस्तान। जय सिनेमा की। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।